तो गाइस जब तक ये सूखता है ना, मैं ये वाला एरिया साफ कर देता हूँ और यहाँ शुरू कर देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेकओवर देखने को मिले। इतने इतने एरिया में कल सीढ़ी वगैरह लेके आऊंगा। इसकी सेकंड कोटिंग है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली कल ही होएगी। दिन के टाइम में आके अर्ली मॉर्निंग कर दूंगा। अभी एक बार साफ करके ना फर्स्ट क्लियर कर देता हूँ, इस पर पूरा बराबर बराबर हो जाए। और मान लो यार मैं अगर बीच में छोड़ दूँ तो निधि का क्या रिएक्शन होगा? मम्मी मेरा भी होएगा क्या लंच ब्रेक वगैरह? लंच ब्रेक मेरा भी होएगा क्या? नहीं, मेरे को भी वो तीन टाइम चाय वाला ऑप्शन है क्या, जैसे लेबर को देते हो? तो ये वाला साफ कर चुका हूँ। अब ये फ्रंट भी ना ऊपर ऊपर का कर देता हूँ कि नीचे वाला यूज में आएगा, शाम को बंद भी होगा। ये एरिया कर देता हूँ पूरा फर्स्ट कोटिंग का, ये साफ कर देता हूँ। यार देख लिया होगा निधि का रिएक्शन, गुस्सा हो गई थी, उसको लगा सही में यूज करने का है उसका। ये साफ करके इस पे एक फर्स्ट कोटिंग कर देता हूँ यार। ये लेकिन इसके एजेस बहुत शार्प हैं, बच्चे के लग सकते हैं। विहान को बचा के रखना हमें इनसे। हाँ वही तो, ये थोड़ा सा इनको थोड़ा करके नहीं गए वो फिनिशिंग वगैरह। सारी दुनिया का बोझ हम उठाओ। ओए होए मेकओवर। चलो यार अभी ये वाला एरिया शुरू कर देता हूँ। लेबर अभी शाम हो चुकी है, लेबर वगैरह जा चुके हैं। कहाँ गया? वैसे तो यार मजे आ रहे हैं काम करने में, वैसे जैसे बचपन में ड्राइंग वगैरह करते थे ना, वैसा वैसा फील हो रहा है। और देखना ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना, इसकी सेकंड कोटिंग बहुत अच्छी आएगी। कलर तो नो डाउट बहुत अच्छा है, जैसा ग्रे का आपका सजेशन आए थे ना, और ये टाइल से भी मैच करेगा, देख लो। यार ब्रश बहुत दूर पड़ा है, बस इसके यार रिजल्ट्स अच्छे मिले, मतलब देखना यार। वैसे तो फर्स्ट पे तो बढ़िया लगता है, अब ये पता नहीं गाढ़ा हुआ है, इसकी सेकंड कोटिंग कैसी रहेगी, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइस देख लो यहाँ तक ये लेवल में पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ एक बार। और यहाँ वाला है ये अभी सूखेगा नहीं, ये सुबह ही होएगा इस पे नेक्स्ट कोटिंग, क्योंकि धूप चली गई है यार। इस पे कोटिंग कर देता हूँ और यहाँ तक कर देता हूँ। और फिनिशिंग यार मुझे भी अभी डाउट है सेकंड कोटिंग के बाद कितनी आती है क्या आती है, क्योंकि यार जो पहले पेंट होके आते हैं ना वो स्प्रे पेंटिंग होती है, बट अभी जो मैं कर रहा हूँ ये वाला यार मैनुअली कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो फर्क देखने को मिलेगा। बट अब यहाँ कर देता हूँ पूरा आज में। ये वहाँ से हो चुका है, अब इस कॉर्नर से शुरू कर देता हूँ, यहाँ से इस लेवल तक ले लूंगा। और उसके बाद फिर गेट है ये आधा कर दूंगा, बाकी कल करूंगा यार। और रात को ना ओस पड़ते ही ये खराब ना हो जाए, उस चीज का डर है, तो अभी यहाँ तक कर देता हूँ। ये इतना हो चुका है और ये पूरा इस लेवल तक मेरा टारगेट है कि इसके बराबर तक का पूरा कर दूंगा आज। अभी 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ यार, क्योंकि मेरा ना हाथ दुखने लग गया, इस हाथ से कर रहा, राइट वाले हैंड से और लेफ्ट हैंड वाले से वो पकड़ रखा था, क्योंकि यहाँ पे रखने की जगह नहीं है। तो 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ यार। बस कर, अब बाकी कल कर लियो। कोई नहीं, बस ये हो गया, गेट कल कर दूंगा। हाँ ये हो गया ना, ये ठंड भी हो गई है अब तो काफी ज्यादा, रख दे, छोड़ दे, ठंड हो गई। हाँ बस अभी कर देता हूँ, बस ये फाइनल ये कर दूँ, फिर कल आके कर दूंगा। धूप में ना जल्दी सूख जाएगा, और साथ ही साथ सुबह कोटिंग कर दूंगा इसकी। ठीक है। शाम के ना 7:30 बज रहे हैं और थोड़ी ठंड हो गई है, तो मैं अभी इस काम को ना यहीं पे रोक रहा हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ कितना कर दिया है मैंने। ये देखो ये मैंने कर दिया था, ये थोड़ा सा सूख जाएगा और इस पे एक और कोटिंग होएगी अभी। और यहाँ पे मैंने ना एक साइड का पूरा एक लेवल कर दिया है, बाकी का मैं क्या करूँगा यार, दरवाजा वगैरह है ना वो कल सुबह आके कर दूंगा। अभी ठंड भी हो रही है और थोड़ा रोशनी की वजह से दिख भी नहीं रहा, और एक रीज़न ये भी है यार क्योंकि धुंध आएगी ना, थोड़ा ओस पड़ेगी तो ये सूखेगा नहीं और ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस इसका यहीं पर रोक रहा हूँ अभी। अब अंदर चलते हैं गाइस, दिहाड़ी वगैरह लेते हैं आज की। मम्मी आज की हमका आज की दिहाड़ी दे दियो। दिहाड़ी काम का कोई बदला थोड़ी होता है। अरे यार मतलब लेबर को भी देते हो आप? दो लेबर को तो देनी पड़ती है, वो बाहर के आदमी बड़ा लेबर लेते हैं। कम से कम खाना तो खिला दो आज हमको, आलू गोभी हमारी पसंद की। हाँ, सब्जी डाल के ले बेटे, खा ले रोटी। कोई नहीं, मैं पापा को बोलता हूँ, पापा तो तड़का लगा देंगे उसमें आलू गोभी में, फिर खाना वाना खाते हैं आज। सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है, और दूसरा क्या है, धूप चली गई है। मेन रीजन ये है, मैं जैकेट वैकेट डाल के भी कर लेता बट अभी धूप चली गई है तो उसका कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर में ओस पड़ेगी ना, ओस पड़ते ये पेंट खराब हो जाएगा और थोड़ा मतलब सूखेगा नहीं जल्दी से। तो अभी मैं सुबह आता हूँ, सुबह आके मतलब ना दोबारा से करूंगा, दो कोटिंग होनी है इस पे, और बाकी जो दूसरी कोटिंग के बाद है डेफिनेटली इसका बहुत ग्लो आने वाला है। तो गाइज अभी एक बार जाता हूँ, कल कंटिन्यू करता हूँ मॉर्निंग में।
Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइज देख लिया होगा आपने, जैसा आपने बोला था वैसा ही काम चल रहा है। कल शाम तक मैंने मतलब जितना काम आपने देख लिया होगा कर दिया था। उसके बाद पता है क्या हुआ यार, उसके बाद थोड़ा सा ना धूप चली गई थी और दूसरा क्या था, ठंड भी हो गई थी। मैंने जैकेट नहीं डाल रखी थी क्योंकि यार गंदी हो जाती है जैकेट वैकेट, मतलब पेंट वेंट करते हुए, तो मैंने जैकेट नहीं डाल रखी थी। और सेकंड रीजन ये था क्योंकि उस पर सेकंड कोटिंग होनी थी, उसको सूखने के लिए टाइम चाहिए था, उसके बाद उस पर सेकंड कोटिंग होनी थी। तो कल तक का काम हो गया था, अभी चल रहा हूँ, नेक्स्ट डे है, अभी जाके दोबारा करता हूँ। अभी धूप हो रही है और मम्मी और विहान भी है, उनको भी वहां ड्रॉप करना है। और ये देख लो दूध वगैरह भी ले लिया, उनको लेबर वगैरह को चाय वगैरह पिलानी होती है, तो उसके लिए अभी चलते हैं गाइस। चलते हैं, प्लेट साफ कर रहे नित्य। मैं खुद नहीं सोया, 3-4 बजे तक तो मैं जाग रहा था। सारे कमरे में मतलब गंदगी कटने लग रहे हैं। आज और कल आज ठीक कर लेंगे, मतलब आज वैसे तो इनका लेबर का काम तो हो जाएगा ना सारा खत्म, सारा हो जाएगा, बस कल साफ सफाई कर देंगे, पोछे लगा देंगे, गर्म पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी एक काम करता हूँ, जब तक धूप है ना पेंट वेंट कर देता हूँ, फ्रंट वाला हो जाएगा पूरा। तो सुंदर लग रहा, मुझे भी ठीक लग रहा है। पापा बोल रहे हैं कि उसमें अभी सेकंड कोटिंग होनी है, प्राइमर जरूरी होता है अगर पहले पेंट ना हो रहा हो। वैसे तो इसके नीचे चलो डार्क कलर था, बट स्टिल देखते हैं हो जाना चाहिए। काला रंग किया था दरवाजे पे, काले के बाद एक बार इसके डार्क कलर में और लाइट में फर्क होता है। काले ऊपर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में आपको दिखा देता हूँ, ये सूख चुका है पूरा, बट इस पे अभी भी हल्का हल्का ना ब्लू कलर का शेड दिखाई दे रहा है पीछे का। मे बी वैसे तो क्या है, इसमें ना अगर अपन प्राइमर वगैरह यूज करेंगे, प्राइमर वगैरह तो बेस्ट ही होता, मतलब फिर ये ब्लू कलर हटने के बाद ना बिल्कुल ग्रे का ही शेड आता। अभी भी अगर इस पे मैं सेकंड कोटिंग करता हूँ तो यह मैक्सिमम इस पे 3 कोटिंग होंगी, ये छुप जाएगा। बट अब क्या है, भैया भी बता रहे हैं, बोले कि प्राइमर एक बार करवा ही लो, मतलब लंबे टाइम के लिए हो जाएगा। और मुझे बताया गया था कि प्राइमर वहाँ चाहिए होता है जहाँ पहले सरफेस पे पेंट ना हो, तो अभी यहाँ पे पेंट तो था, बट अब क्या करते हैं। पापा को कॉल किया है, पापा बोल रहे हैं कि प्राइमर वगैरह लेके आ रहे हैं। और यार मेरे को ना कल कहीं जाना था, बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, बहुत मतलब कि, तो अब सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा कैसे होगा। आज कोशिश करता हूँ जल्दी प्राइमर आ जाता है तो जल्दी से जल्दी ये फ्री करके फारिक करके ना आपको मेकओवर दिखा देता हूँ। चलो गाइस अभी शुरू कर देते हैं नेक्स्ट दिन की दिहाड़ी। भैया अपनी यूनियन में कोई ऐसा प्रावधान है, मतलब अगर कोई दिहाड़ी ना दे तो मतलब कुछ केस वेस कर सकते हैं? है प्रावधान, ऐसा कोई प्रावधान है? क्या प्रावधान है? कल इन्होंने लंच वंच नहीं दिया मुझे, ना चाय वाय थी। अच्छा ठीक है, प्रावधान तो है, कैसे नहीं प्रावधान है इसमें ना, मेरे ख्याल से प्राइमर लाना पड़ेगा। अपनी कोई एसोसिएशन है? है तेरा ये ज्यादा पेंट खराब है, सीटू का है, ज्यादा पेंट मुझे ऐड कर देना, तो सीटू का है। चलो यार अब करते हैं, धूप भी है ना, तो इसमें एक बात बताओ प्राइमर वगैरह की जरूरत तो नहीं अभी? अभी जरूरत है प्राइमर, प्राइमर मारने के बाद ही कलर होगी। मतलब अभी ये नहीं खिल के आएगा? ये खिल के नहीं आएगी, तो मतलब पहले प्राइमर करना जरूरी है? जरूरी है। उसके बाद ही कर लेते हैं, फिर वो तो फायदा ही लेने जा रहे हैं बता रहे थे, लेकिन फोन कर दो ना कि याद ना दे। ठीक है चलो फिर मैं एक बार प्राइमर का वेट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी क्या है, भैया बता रहे हैं इस पे ना मतलब देखो वैसे तो हो रहा है लेकिन हल्का फुल्का, इस पे या तो 3 शेड होएंगे, लेकिन कह रहे हैं प्राइमर से ना बहुत ही ज़्यादा खिल के आएगा। माता जी कल आपने वो चाय वाय नहीं दिया, हमारी एसोसिएशन के बंदे नाराज हो रहे हैं थोड़े से। कोई बात नहीं, आज पी ले, कल के नाम की आज पी ले। नहीं आपको पता है अंडर सेक्शन 1169 के अंडर ये कानून है कि आप मजदूरों को अगर चाय वाय नहीं देते हो तो आपके साथ लीगली कुछ किया जा सकता है, दिहाड़ी नहीं देते हो तो। चलो आज मेरे को ना यार आलू गोभी बना के खिला देना, तड़का पापा लगा देंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस अभी देख लो ये इतना हुआ है, और ये देखो ये वैसे तो यार कर सकता हूँ, बट प्राइमर आ जाए एक बार, पापा ले आए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंस तो पता चल रहा होगा आपको, ब्लू और ये वाला ग्रे, बट इसमें ना थोड़े थोड़े से देखना ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, बट ये भी इसके ऊपर अभी सेकंड कोटिंग होनी थी और अभी ये सूख चुका है बिल्कुल। इसके ऊपर सेकंड कोटिंग होगी तो ऑब्वियसली यार ये मतलब ग्रे ही दिखाई देगा, बट भैया क्या बता रहे हैं, बोले कि ना ऐसे ऐसे इस पर प्राइमर लगवा लो, उससे ज़्यादा बढ़िया ग्रेस आएगी। तो यार कोशिश करता हूँ, पापा को कॉल किया तो है, अब देखते हैं फिर ऐसा ना हो कोई काम यार बेकार हो। 2 घंटे हो चुके हैं और मैं पापा का वेट कर रहा हूँ, अभी तक प्राइमर नहीं आया है, और अब प्राइमर के लिए भैया बोल रहे हैं जरूरी है प्राइमर लगवा लो, अदरवाइज इसका ना ग्लोसी मतलब वो शाइन फिनिशिंग सी नहीं आएगी।
तो यार बस वेट कर रहा हूँ, अभी पापा आ जाते हैं फिर काम कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ आज निधि, मतलब आज सारा ऑलमोस्ट काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, बस ये चीज रह जाएगी, तो मैं चाह रहा था ये भी आज ही कर दूं। अभी मुझे एक दो काम भी जाना है जो बहुत जरूरी है, तो गाइज मैं अभी इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर रहा हूँ और एक बार काम जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब कल की वीडियो में डेफिनेटली आपको ना फाइनल मेकओवर दिखा दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो गाइज अभी अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है गाइज। आपके लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइज लेके आ रहा हूँ एक दो दिन में, तो प्लीज अपना सपोर्ट भी ऐसे ही बनाए रखना यार, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।